लीजिए, आप नजर बनाए रखिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मानसूनी आफत से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश हो रही है। कल की बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव और लंबे जाम से लोगों को काफी परेशान रहना पड़ा। राहत की बारिश आफत की बारिश में तब्दील हो गई। आपको आफत की बारिश से जुड़ी ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू और अमृतसर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। मुंबई समेत पूरे कोंकण के लिए आने वाले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश होने की चेतावनी दी। और इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, स्थितियां सब जगह ऐसी ही है। थोड़ी सी बारिश इन हर जगहों पर आप आफत की बारिश के तौर पर ही इन्हें देख रहे होंगे, क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों में पानी भर चुका है, पहिए आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। क्या अमृतसर, क्या जम्मू, हालात एक जैसे? लगातार बारिश होने से जल भराव की समस्या से हर जगह लोगों को जूझना पड़ रहा है। आफत की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर बिगाड़ दी। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी भर गया, जिसमें महंगी कारें, बाइक्स, ऑटो रिक्शा समेत करीब 400 गाड़ियां डूब गईं। कांदिवली में ठाकुर कॉम्प्लेक्स में इस अंडरग्राउंड पार्किंग को बीएमसी बनवाया था, लेकिन पानी निकलने का सही इंतजाम यहां पर नहीं था, जिसकी वजह से पार्किंग में पानी जमा हो गया। अंडरग्राउंड पार्किंग के हालात तालाब की तरह हो गए, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई दिखी। लोगों के इकट्ठा होने के बाद पानी को पार्किंग से बाहर निकाला गया। वहीं मुंबई के पास ठाणे से जहां जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ, बड़ी खबर अब वहां से। ठाणे में जमीन खिसकने से वहां बने कुछ मकान गिर गए, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। ये ठाणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये जानकारी मिल रही है कि एक मकान जो है वो गिर गया। क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगहों से हम ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद जो जर्जर इमारत होते हैं वो ढह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हादसा ठाणे के इस इलाके में हुआ, जहां पर मकान गिरा, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत की खबर आई है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की भी अभी आशंका है, इसलिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको ठाणे की ही दिखा रहे हैं, जहां पर एक इमारत जो है ये बताई जा रही है मकान गिर गया, और जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। लेकिन कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, इसलिए राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है। मलबे को बड़ी ही सावधानी के साथ हटाया जा रहा है, ताकि अगर कोई वहां दबा हो तो उसको सुरक्षित निकाला जा सके। ये प्रयत्न अभी भी जारी है। आफत की बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली को भी नहीं बख्शा है। कल कई घंटों की लगातार बारिश ने नई समस्या पैदा कर दी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आई जल जमाव की तस्वीरें दिन भर हैरान करती रहीं। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। पुल प्रहलादपुर में बारिश का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। दिल्ली में कल जो हालात हुए उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। उस पर से मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन बादल ऐसे ही बरसेंगे, यानी जो बारिश अब तक राहत वाली थी वो अब मुसीबत वाली बन सकती है। और ये आपको गुड़गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश सुबह से शुरू हुई, उसके बाद का आलम कुछ ऐसा हो गया है कि जैम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, क्योंकि लंबा जैम यहां पर लगा हुआ है, कई किलोमीटर लंबा ये जैम। गाड़ियां रेंगती हुई से इस वक्त नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में भी कई जगहों पर ऐसे हालात हैं। गुरुग्राम बॉर्डर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लंबे जैम में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग डे है, लोग दफ्तर के लिए अपने घरों से निकले, जिसके बाद सुबह से बारिश जब होती है तो आलम कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है सड़कों पर और बारिश की वजह से रफ्तार रुक जाती है, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिलता है। धर्मवीर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मवीर, जहां एक तरफ ये राहत जरूर है कि अब गर्मी से निजात मिली, लेकिन ये तो एक अलग समस्या, जाम जैसे हालात से लोगों को जूझना पड़ता है थोड़ी सी बारिश के बाद।
बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद से ही लगातार गुरुग्राम और जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो एक अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं, और वो समस्या है पानी। लगातार ना सिर्फ जल भराव होने की वजह से लोग परेशान हैं, बल्कि गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा जल भराव की वजह से बंद हो गई। कई जगह जो जाम है वो लग गए हैं, अब भी जो हाईवे पे ये जाम लगा है, काफी लंबा ये जाम लग चुका है। आज लोग जो है अपने घरों से निकले हैं अपने ड्यूटी जाने के लिए, उसके बाद ये जाम लगा है। कल हालांकि बारिश होने की वजह से कम लोग अपने घरों से निकले थे, लेकिन आज मौसम साफ है तो लोग अपने घरों से निकले हैं ड्यूटी जाने के लिए, और इसी दौरान ये लंबा जाम लग गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर ही वहीं से जो जिस तरह से जो पानी भरा है और जिस तरह से वहां पर काम भी चल रहा है उसके बाद से ही उसकी वजह से ये लंबा जाम लगा है, और ये कई किलोमीटर लंबा हो चुका है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो सैकड़ों गाड़ियां आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही होंगी जो रेंग कर चलने को मजबूर हैं। तो थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है उसकी भी जरा हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के द्वारिका इलाके में अचानक सड़क धस जाने से एक कार जमीन में समा गई। कार दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल चला रहे थे। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बचाकर गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके सड़क धसी लगातार बारिश होने की वजह से। दिल्ली के द्वारिका की तस्वीरें हैं, राजधानी की तस्वीर, जहां पर अचानक सड़क धस गई और ये कार जमीन के अंदर समा गई। कार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल चला रहे थे। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बचाकर गड्ढे से बाहर निकाला गया, और बाद में देखिए इनकी कार जो है वो भी निकाली गई। मैं दोस्त के पास से आ रहा था, भाई के पास से बैठा हुआ था ऑफिस में, वहाँ से आया, गाड़ी जा रहा था रोड से सीधा, यहाँ एकदम से रोड पर धस गई गाड़ी अंदर। तो दिल्ली के अलावा कई राज्यों में भी बारिश हो रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से कट गया। नाले उफान पर हैं, जिसके कारण लोगों को एक दूसरे जगह जाने में दिक्कत हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, यानी जो भी आप हालात देख रहे हैं इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं ये हालात, क्योंकि अगर बारिश होती रही, जल निकासी का प्रबंध पर्याप्त है नहीं, बारिश अगर और होती है तो ये जो स्तर है पानी का ये और बढ़े। दो तस्वीर सवाई माधोपुर की और भरतपुर की, जहां पर आलम कुछ ऐसा है कि अब संपर्क गांवों का टूट चुका है, क्योंकि वो सड़क वो पुल जो दरअसल इन गांवों को जोड़ते थे वहां पर अब पानी भरा हुआ है। वही राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और इस बीच वहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कों पर सैलाब आ गया, सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। इस बीच सड़क पार करने की कोशिश में दो लोग पानी में बह गए। तस्वीर जरा आप देखिए, तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से ये लोग पानी के साथ बहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज, लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, और उसका खमियाजा इन लोगों को ही भुगतना पड़ता है। देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव में पहले संतुलन बनाने की कोशिश हुई, लेकिन पानी जिस दिशा में जा रहा है उसके ऑपोजिट ये जाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर तौर पर पानी का बहाव देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना है, और संतुलन बना नहीं, और पानी के साथ ही ये दो शख्स बहते हुए नजर आए हैं। हालांकि इधर उधर लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि इनको बचाएं तो बचाएं कैसे। इनको वहां से निकलने के लिए मना भी किया जो आसपास के लोग मौजूद थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, और खमियाजा जो है वो खुद भुगतते हुए लोग।